अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है क्या सब ठीक होंगे। जैसे फ्रेंड, आज ईद उल फितर है और मेरी तरफ से आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो फ्रेंड्स, ये एक ख़ास दिन है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंसान की ज़िंदगी की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें से ये ईद का दिन होता है कि इंसान अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अज़ीज़ अक़ारिब के लिए टाइम निकालता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके अपने अजीज और रिश्तेदारों के साथ टाइम गुजारें। और उसके बाद ख़ास बात यह है कि इस दिन में हम अपने जो प्यारे हैं हमसे जुदा हो चुके हैं, जो कभी हमारी ईद का हिस्सा हुआ करते थे और आज वो काल के हकीकी से जा मिले हैं। तो उनके भी याद रखना चाहिए, उनके लिए भी दुआएँ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अभी जो है ना, उनके हमारे जो है ना, सिर्फ एक दुआएँ हैं जो उनके काम आ सकती हैं, वो हमें करनी चाहिए। तो इस खुशी के साथ, खुशी के मौके पर उनको जो है ना भूलना नहीं चाहिए। सो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे जो भी अजीज़ वकारब हैं, जो आबा अजदाद हैं, जो भी हमारे इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, तो या अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और उसके बाद फ्रेंड, बात यह कि इंसान हर किसी ने जाना है, आज वो गए कल हमने जाना है, मगर एक कमी हर किसी की ज़िंदगी में रहती है, जिसने अच्छे वक्त अच्छा पल गुजारा हो उसकी यादें हमेशा दिल के पास रहती हैं। जैसे कि हमारे भी, मेरे दिल के नज़दीक बहुत से सितारे थे जो अब है नहीं। तो आज खुशी का दिन है ईद का, तो अल्लाह पाक ने नसीब किया है तो वो तो अटेंड करनी है, मगर जो हमारे अपने प्यारे थे तो उनकी भी याद बहुत आ रही है, तो अभी बस उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरी दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ है, तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।